नीतीश कुमार को विपक्षी खेमे के इंडिया गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन शुरू किया था, सब नेताओं को जोड़ा था, पूरे देश का दौरा किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हुई थी, उन्हीं के कारण हुई थी और उन्हीं की के प्रयासों से हुई थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पूरी पूरी तैयारी कर चुके हैं, तब इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। आखिर नीतीश के बगैर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? क्या नीतीश के बीजेपी में जाने के बाद इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा? देश में तमाम नेताओं से मुलाकात कर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी का दम भरा, बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया, इंडिया गठबंधन बनाया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को ही सियासी लक्ष्य बताया। अब वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। तो सवाल ये है कि आखिर नीतीश का सियासी गणित क्या है, भविष्य की राजनीति को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है? आखिर क्यों नीतीश की तमाम कोशिशों के बाद भी विपक्षी एकता वाला फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ सका? क्या सोचकर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया? इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जेडीयू नेताओं के निशाने पर कांग्रेस है, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार ने कभी किसी पद की मांग नहीं की, हर बार विपक्षी एकता को ही मजबूत करने की बात कही। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं, इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। लेकिन बीते कुछ महीने के सियासी घटनाक्रम को देखें तो साफ हो जाएगा कि कांग्रेस ने लगातार उनकी अनदेखी की। चार बैठकों के बाद भी न तो इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम पर सहमति बनी, न ही सीट बंटवारे पर ही बात बन सकी। बार बार जेडीयू की ओर से जल्द सीट बंटवारे की अपील की गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो सकी। यानी इंडिया गठबंधन का कारवां आगे नहीं बढ़ रहा था। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित कर नीतीश को नाराज भी कर दिया। राहुल ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन शायद बात नहीं बन सकी। इस बीच बिहार में भी सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा था। चर्चा चली कि लालू यादव ने जेडीयू को तोड़ने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार ने पाला बदलने का फैसला किया। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि विपक्ष अब भी नीतीश कुमार को साथ लाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, पूर्व में भी यही हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बड़ा दांव चलने को तैयार हैं। बीएसपी कह रही है कि इस स्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, और विपक्ष अगर कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। और चर्चा है कि नीतीश को सीएम पद के साथ साथ बीजेपी के कोटे से दो डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। मंत्री पद का बंटवारा दोनों दलों की पिछली सरकार की तर्ज पर ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में ये साथ लंबा चलेगा? आज तक ब्यूरो।